बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम स्केल्टन बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। असल में हमारा टॉपिक है मूवमेंट इन एनिमल, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट एंड स्पोर्ट इन एनिमल। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले एनिमल में स्पोर्ट, जो कि स्केल्टन देता है ढांचा। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन है कि स्केल्टन होता क्या है। इट्स टफ, रिजिड, फ्रेमवर्क। आपने नोट किया होगा जब घर बनाना होता है तो सबसे पहले घर की बुनियादें बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, बुनियादें स्ट्रांग, एक ढांचा मकान का खड़ा हो जाता है। उसके बाद जो करवाना है सीलिंग पैलिंग वगैरह सारा, सैनिटरी का काम, ईटीसी, सब कुछ बाद में करवाते हैं। पहले घर का क्या बनता है? ढांचा बनता है ना। तो फ्रेमवर्क बोलते हैं ढांचे को, बुनियाद, ठीक है जी। तो ये स्केल्टन असल में है क्या? टफ रिजिड फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का। इसके बेटा बेसिकली आपकी बुक में तीन काम मेंशन है कि ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर मेरा ढांचा ख़राब हो जाए ना तो हम इंसान झुक जाते हैं, ठीक है जी। अगर ढांचा कोई भी स्केल्टन में मसला आ जाए तो हमें बॉडी को पूरी सपोर्ट नहीं मिल पाती, ठीक है जी। टांग ख़राब हो जाए तो इंसान सही से खड़ा नहीं हो पाता। तो ये हमें सपोर्ट देता है। स्पोर्ट के साथ साथ बेटा जी ये हमें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। प्रोटेक्शन, मेरा ब्रेन स्कल में प्रोटेक्टेड है, मेरे वाइटल ऑर्गन इन रिब्स में प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन दे रहा है हमें, इट्स गिविंग अस, स्केल्टन इज गिविंग अस प्रोटेक्शन। एंड नेक्स्ट बेटा अलॉन्ग विद द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के साथ साथ ये हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मूवमेंट तो मसल की मदद से होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन क्या आप खाली मसल मूव कर सकते हैं? खाली मसल तो ऐसे हैं जैसे कपड़े बगैर इंसान के, वो पड़े रहते हैं, इकट्ठे हुए पड़े रहते हैं। जब हम उसे पहन लेते हैं तो उनकी एक प्रॉपर शेप बनती, ठीक है जी। तो बेटा ये इनके तीन प्रॉपर काम है। अब सवाल जेहन में आता है, इट्स अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जेहन में आता है, क्या हर जानदार का स्केल्टन ये तीन चीज़ें उसको प्रोवाइड करेगा? ज़रूरी नहीं है। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन, और ये पाया जाता है रिंग, हमारे पास रिंग वॉर्म के अंदर, जिसकी बॉडी के अंदर रिंग्स बने होते हैं, सेप्टेट बॉडी होती है उसकी। अब होता क्या है, अगर वो चल रहा हो उस पर अपना पांव रखे वो तो मर जाता है, तो ये काय की सपोर्ट थी उसके लिए, ये काय की प्रोटेक्शन थी, लेकिन वो उसको मूवमेंट में हेल्प देता है। किस में हेल्प देता है? मूवमेंट। तो ये तीनों काम बड़े लोगों पर, बड़े एनिमल्स पर अप्लाई होते हैं। इनमें से कोई ना कोई काम स्केल्टन लाजमी करता है, ठीक है मेरा बेटा। नेक्स्ट है बेटा कंपोजिशन। कंपोजिशन में बेटा इट्स मे बी ऑर्गेनिक, कंपाउंड का भी बना सकता है, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है, और बोथ का भी बना हो सकता है। पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक। आपने कॉकरोच का नाम सुना होगा, इसके एक्सोस्केलेटन में काइटिन होती है। क्या होती है? काइटिन होती है, इट्स ऑर्गेनिक इन नेचर। फिर हमारे पास कुछ जानदार ऐसे हैं जिनका एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, स्नेल वगैरह जैसे ले लें हमारे पास, ठीक है। और कुछ जानदार बेटा जी ऐसे हैं जिनकी बॉडी का जो स्केल्टन है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। सर फॉर एग्जांपल किसकी बात कर रहे हैं हम? जैसे ह्यूमन की बात कर लें, इसकी बॉडी में कैल्शियम फॉस्फेट है और ऑर्गेनिक में प्रोटीन्स हैं, ये मिलकर इसका स्केल्टन बनाती है। क्लियर मेरा बेटा? अब ये स्केल्टन बना है ना, कोई सेल होंगे इनको बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन जो जानदार मुश्तमिल ही एक सेल पर होता है सच एज प्रोटोजोन्स, अमीबा वगैरह, उनकी बॉडी का स्केल्टन, अमीबा जस्ट फॉर द एग्जांपल मैंने बताया यूनिसेलुलर है ना, एक सेल वाले जानदार, तो जरूरी नहीं मैं इस वक्त उसके स्केल्टन की बात कर रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। अब हमारी हेडिंग नेक्स्ट बनेगी सिक्रीशन, कि इसको सिक्रीट कौन करता है? तो याद रखिएगा कुछ जानदारों में वन सेल, जैसे प्रोटोजोन्स, और कुछ जानदारों में मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स, ठीक है, मिलकर आपका स्केल्टन बनाते हैं। और ये जानदार खुद भी क्या होते हैं फिर? मल्टाई सेलुलर, ठीक है जी। नेक्स्ट
हमारे पास इनकी टाइप्स आती हैं। तो बेटा टाइप्स इनकी तीन है इंशाल्लाह, उसमें से बस आज हमने एक टाइप पढ़नी है। कितनी टाइप्स है बेटा जी? तीन। हम कितनी पढ़ेंगे? एक। एक बेटा है हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक है एक्सोस्केलेटन और लास्ट पे है हमारे पास एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो ये तीन तरह के हमारे पास स्केलेटन है, जिसमें हम पहला पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट वन, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब हाइड्रो का मतलब पानी होता है, तो यहां पर फ्लूइड, कोई फ्लूइड जानदार को क्या कर रहा होगा? सपोर्ट दे रहा होगा, सहारा दे रहा होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे जानदारों के पास कोई खाली जगह होती है, कैविटी मीन खाली जगह, और उसमें क्या फील होता है? फ्लूइड। इनके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन शो करने वाले जानदारों के पास कोई ना कोई खाली कैविटी होती है, ठीक है जी। अब हमारे पास दो कैविटी हैं ऐसी, सिलोम नंबर वन, नंबर टू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है जी। ये दो तरह की कैविटीज हैं हमारे पास, इन्हें हम देखेंगे बेटा क्या करते हैं। ये क्या करते हैं? ये इनको प्रोवाइड क्या करते हैं? एक तो सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जानदारों को सहारा देता कैसे? अभी देखेंगे हम सी एनीमोन की एग्जांपल में। नंबर टू, ये उनके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प देते, मसल कॉन्ट्रैक्शन, लिख लीजिएगा स्पेलिंग पूरे। ये इनका स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इनको दो सपोर्ट्स देता है, एक तो इनके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प देता है, दूसरा इनको सपोर्ट देता है। सपोर्ट हम देखेंगे, सी एनीमोन पानी के बगैर ऐसे जैसे कोई नीचे बैठा होता है, जैसे उसकी बॉडी में पानी एंटर होता है तो वो जरा अपराइट अपलिफ्टेड खड़ा हो जाता है, ठीक है जी। अब बेटा जी हमारे पास ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? दो फाइलम बताए हुए हैं, निडेरिया, सिनिडेरिया सी साइलेंट, ठीक है जी, एनालिडा, लव्स एनालिडा एनुलस से निकला, और एनुलस का मतलब क्या होता है बेटा? रिंग। क्या होता है? रिंग। तो सेप्टेट, जिसकी बॉडी में, जिस वाम की बॉडी में रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर, सेप्टेट, हमने इसको एक्सक्रीशन में भी पढ़ा, उसको हम बोलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे हमारे पास मोलस्का है, मोलस्का के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन के साथ साथ कौन सा स्केलेटन पाया जाता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अच्छा बेटा जी, अब सी एनीमोन की बात करें, मैं पहले आपको बता चुका हूं इसका फाइलम है निडेरिया, इसकी कैविटी है गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी, ये मैंने बताया था। अब इसकी कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्यों कहा गया, ध्यान कीजिएगा प्लीज। पहले तो सी एनीमोन देख लेना कैसा है, इस तरह का कुछ, ये इसकी ओपनिंग है और ये इसके टेंटकल्स, ठीक है जी। और इसकी बॉडी में बेटा मसल्स अरेंज हैं सर्कुलर डायरेक्शन, कहा था ना मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प देते हैं। अब बात सुननी है आपने, इसकी इस जगह को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। गैस्ट्रो आमतौर पर वर्ड गैस्ट्रिक जूस, स्टमक के लिए यूज होता है, इसकी फूड यहाँ डाइजेस्ट होती है। इसकी फूड कहाँ डाइजेस्ट होती है? इस खाली जगह में इंशाल्लाह, बल्कि हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था डाइजेशन इन हाइड्रा, उसमें भी यही सीन था। दूसरा, ये क्या काम करती है? वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट, चीज़ों की ट्रांसपोर्ट का काम भी यही कैविटी करती है, ठीक है, मटीरियल के इन आउट का। दो काम करती है, एक वेस्कुलर वेसल से निकला ट्रांसपोर्ट करना, दूसरा गैस्ट्रो स्टमक डाइजेस्ट करना। तो ये कैविटी दो काम करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब ये जब इसका गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, या आप कह लें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, अभी एक्टिव नहीं है, ये जमीन के साथ लगा हुआ है यहां से, तो ये ऐसा होता है, जैसे ही इसका ये सिस्टम बेटा एक्टिव होता है, दिस बिकम अपराइट। मेरे पास ऊपर जगह कम है, लेकिन आप समझें यही ये जगह है, ये कहां चला जाता है बेटा? अपराइट, लंबा हो जाता है,
क्या हो जाता है बेटा जी, ये साइज में बढ़ जाता है। याद रखनी है मेरी बात, जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी कोई मसल क्या करते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साइज में छोटे मगर मोटे हो जाते हैं। क्या बेटा? साइज में छोटे, स्मॉल साइज के हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। ये मैं आपको पूछूंगा अभी अभी अगले ही टॉपिक में साथ ही। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साइज में छोटे लेकिन मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, ठीक है। ये जमीन वही है, ये वही जगह जहां पर ये था, लेकिन नीचे से ये बेटा क्या चला जाता है, अपराइट। अब इसमें पूरा प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है, ये इसका माउथ है। ये इसका क्या है बेटा? माउथ। इस माउथ से पानी अंदर आता है, इस माउथ से इसकी बॉडी में क्या आता है बेटा? वाटर आता है। ये वाटर इसकी बॉडी में आता है। जब वाटर इसकी बॉडी में आता है, इट्स क्लोजेस इट्स माउथ। ये अपने माउथ को क्या कर लेता है? बंद। पानी गया, मुंह बंद। जैसे ये मुंह बंद करता है ना, ये सर्कुलर मसल, पानी का काम तो प्रेशर लगाना ना, इसलिए तो हम इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहे हैं। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये अपराइट चला जाता है। इसको थोड़ी देर के लिए ये ऐसे था, खड़ा होने के लिए क्या मिल जाता है? सहारा मिल जाता है। तो ये सपोर्ट कर रहा है, इसको क्या कर रहा है बेटा? सपोर्ट कर रहा है। बस ये सारा आपने लिखना प्रोसीजर के अंदर, कि जो पानी है वो एंटर करता है कहाँ पर? जी वी सी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। ये क्या करते हैं? क्लोज कर लेते हैं माउथ को, मुंह को बंद कर लेते हैं। अगली बातों में आप लिखना है, वाटर पुट्स प्रेशर, एग्जर्ट प्रेशर, ठीक है जी, एंड दे बिकम अपराइट। ये कैसे हो जाते हैं बेटा? अपराइट, अपलिफ्टेड। क्या हो जाते हैं? अपलिफ्टेड। यहाँ तक बेटा बातें क्लियर हैं? तो ये तो सी एनेमोन की बात थी ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है अर्थवॉर्म। क्या आता है बेटा? अर्थवॉर्म, कुछ ऐसा। इसकी बॉडी पे इस तरह करके रिंग्स बने होते हैं। इसका नाम, इसका फाइलम है फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा, एनेलिडा वर्ड निकला एनुलस से। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुलस? शाबाश। रिंग्स, क्या मतलब है रिंग्स? ऐसा लगता है जैसे इसकी बॉडी पे रिंग्स बने हुए। असल में जो फाइलम एनेलिडा का ये मेंबर है, इसकी बॉडी कुछ इस तरह होती है। देखें, इसकी बॉडी के कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं बेटा जी? इसकी बॉडी के कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। यस, खाने बने होते हैं। ये हमने कब पढ़ा था? हमने इसको पढ़ा था एक्सक्रीशन में भी। अब ये जो एक कंपार्टमेंट है, ठीक है, इसमें अंदर जो ये खाली जगह है, इस खाली जगह को बोलते हैं सिलोम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिलोम। इस सिलोम में क्या भर जाता है? फ्लूइड फिल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अच्छा, एक खाने को दूसरे खाने से सेपरेट किया गया है पर्दा लगा के। अल्लाह अलमाइटी हैज क्रिएटेड अ सेपरेशन, अ स्क्रीन, अ डिफरेंस। ये जो सेपरेशन, ये जो डिफरेंस इनमें नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सेप्टा। इसे क्या बोलते हैं बेटा जी? सेप्टा बोलते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हर खाने के पास, एवरी कंपार्टमेंट हैव टू काइंड ऑफ मसल्स। कितने मसल्स होते हैं? टू काइंड। एक जरा इस तरह रेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, इन्हें बोलते हैं सर्कुलर मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? सर्कुलर मसल्स। और एक मसल्स बेटा जी अरेंज होते हैं कुछ इस तरह, इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल मसल। एक लंबाई के रुख में होते हैं इस तरह करके, और एक सर्कल की शक्ल में होते हैं इनके ऊपर, ठीक है, एक इस तरह और एक इस तरह, क्लियर। अब आपने देखना है, इनमें से मैं एक कंपार्टमेंट ले रहा हूं बेटा, दिस इज वन कंपार्टमेंट, ठीक है जी। ये इनका एक खाना है, इनके जिस्म का, इनकी बॉडी का ये खाना है। आपने समझना इस बात, हर जो इनका जो ये कंपार्टमेंट है, इस अर्थवॉर्म के पास याद रखें ब्रेक्स भी मौजूद होती, ब्रेक्स, ये ब्रेकें भी लगाता है, समझे इस बात को बेटा। इसको बोलते हैं सीटी, स्पेलिंग है सीटाई, ए साइलेंट, इसको हम बोलते हैं सीटी। सीटी ऑन द फ्रंट, सीटी ऑन द बैक, आगे भी मौजूद हैं, पीछे भी मौजूद हैं। ये बेटा इनके मसल है, कौन से मसल है? शाबाश, सॉरी ग्रीन से शो करने इसको, ये कौन से मसल है मेरा बेटा?
दीज आर सर्कुलर मसल। कौन से मसल आएंगे? सर्कुलर मसल्स, ठीक है, दीज आर सर्कुलर मसल। और साथ ही कौन से मसल मौजूद हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। कौन से मौजूद हैं बेटा जी? लॉन्गिट्यूडिनल। अभी इस वक्त क्या हुआ है, जब ये खाना छोटा हुआ पड़ा, मैंने आपको पहले बताया था यहां पे, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्वेल करता है और शॉर्ट हो जाता है, स्वेल थिक हो जाता है और शॉर्ट हो। इस वक्त बताओ जरा, इस वक्त बताओ कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्टेड शक्ल में आपको नजर आ रहा है, कौन सा थिक और छोटे साइज का नजर आ रहा है आपको? लॉन्गिट्यूडिनल मसल, शाबाश। तो याद रखना, इसमें हम बोलेंगे क्या कि जब भी लॉन्गिट्यूडिनल मसल मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते, क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइज ऑफ दी कंपार्टमेंट डिक्रीजेस। आप ये कह सकते हो जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी लेंथ डिक्रीज हो जाती। कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। लेकिन उसी वक्त जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये वाले मसल क्या कर रहे होते हैं बेटा जी? रिलैक्स कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? तो ये कैसे हो जाते हैं? पतले और लंबे। क्या हो जाते हैं? पतले। और ये कंपार्टमेंट था, देखिएगा प्लीज, ये इनका एक कंपार्टमेंट है। ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल क्या हो रहे हैं? छोटे। और कंपार्टमेंट भी क्या हो रहा है? छोटा। लेकिन सर्कुलर मसल क्या कर रहे हैं? रिलैक्स। और कंपार्टमेंट क्या हो रहा है? स्वेल, मोटा हो रहा है, सूज रहा है। लेकिन जब इन्होंने आगे जाना होता है, आगे जाना होता है, तो ये पीछे वाली ब्रेकें लगा कर रखते हैं ताकि बॉडी पीछे ना चली जाए। यानी ये अपने सीटी को जमीन में दसा लेते हैं, सॉइल, सॉफ्ट सॉइल पर ये रहते हैं ना। अच्छा, अब होगा क्या जब ये, अगली बात करेंगे, अगली बात क्या है देखिए, जब इनका उलट होगा क्या, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बेटा? तो लॉन्गिट्यूडिनल बेटा क्या करेंगे? रिलैक्स। इनकी बॉडी कुछ ऐसी हो जाएगी, इनकी बॉडी ऐसी हो जाएगी, ये इनके सीटी हैं। अब इनका क्या हो रहा है इस वक्त बेटा? इनके सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, इनके सर्कुलर मसल क्या कर चुके हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। इनके सर्कुलर मसल क्या कर चुके हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। और इनके लॉन्गिट्यूडिनल मसल बेटा इस वक्त, हम उसे थोड़ा सा बड़ा शो करेंगे, वो क्या कर चुके हैं? रिलैक्स कर चुके। तो उनकी लेंथ क्या होगी? बढ़ गई, पतले हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर जी। अब जब लेंथ वाइज के मसल रिलैक्स करते हैं तो इनकी लेंथ बढ़ जाती है, और सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकी मोटाई क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। अब अगली बात सुने, अगली बात सुने। अब ये पिछले सीटी को उठाएंगे, अगले सीटी को जमीन में दबाएंगे, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जब दोबारा लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब दोबारा लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये वाले मसल जब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाले मसल जब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल मसल और सर्कुलर मसल बेटा जब दोबारा रिलैक्स करेंगे, तो ये अपनी पिछली लोकेशन से आगे जा चुके होंगे। ये अपनी पिछली लोकेशन से कहाँ जा चुके होंगे? आगे जा चुके होंगे। यही बातें आपने सारी बोलनी है, लिखनी है, ठीक है जी, एग्जाम के दौरान भी, कि फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट होते हैं, इनके पास दो तरह के मसल होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर। जब लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साइज डिक्रीज करता है, और उसी वक्त सर्कुलर मसल क्या करते हैं? रिलैक्स, तो साइज छोटा और स्वेल्व हो जाता है, ठीक है जी। और फिर जब इन्होंने फैलना होता है तो लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्स, सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट। और ये एक खाने में नहीं हो रहा होता, ये सब खानों में हो रहा होता है, और ये इस तरह करके आगे मूव कर रहे होते हैं। समझ आ रही? आस्ता आस्ता क्या कर रहे होते हैं? आगे मूव कर रहे होते हैं। तो बेटा ये हमारे पास इनका अर्थवर्म का जो पूरा सिस्टम था, हाइड्रोस्टैटिक, कैसे इनको वाटर जोन्स है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक स्केल्टन प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प देता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक्सोस्केल्टन के बारे में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।